अच्छा स्कोप चल रहा है, अच्छी लर्निंग है, तो इसीलिए फिर मैंने उसने मुझे रेफर किया पेज सरिमात का, तो मैंने फिर आपसे भी कांटेक्ट किया, आपने मुझे आयशा का नंबर दिया था, तो इस तरह से मैं ऐड अप हुई थी। अच्छा, चलें, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप एक बैकग्राउंड रखती हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक जी आपको नो हाउ है कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, हाँ क्योंकि जी एसईओ के अंदर यू नो कि ट्रैफिक क्या है, एनालिटिक्स क्या है, हाँ जी जीपीएम क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, दैट्स अ जी प्लस पॉइंट. यू कैन हाँ जी डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड हेडलाइन एंड अ बैड हेडलाइन. यू कैन डिफरेंशिएट एग्जैक्टली बिटवीन कि अच्छा कॉन्टेंट क्या है और बुरा कॉन्टेंट क्या है. चलें एग्जैक्टली इंशाल्लाह. हाँ जी राव हुरैरा यूनिस भाई, क्या चल रहा है? राव हुरैरा यूनिस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? आप आप कैसे हैं? बताओ. सर ठीक है, चलिए ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, कहाँ सर तक पहुंचे हो? सर एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरी प्रीवियस क्लासरूम मिस हो गई थी, बिकॉज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अभी यह है कि वो लेक्चर्स वगैरह में दोबारा उसको देख रहा हूँ, तो उससे ये है कि काफ़ी हेल्प हो रही है। मीन्स कीवर्ड रिसर्च की काफ़ी अच्छी नोहा हो चुकी है, हेडलाइंस वगैरह, नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च, ब्रॉड वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैडम ये असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा है? यस सर चले अच्छा. और जी नुमान अली कैसे हो? सर अलहमदुल्ला आप सुनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ. भाई बताओ, ठीक हो? सेहत ठीक है भाई? जी सर जी सर कहाँ पहुंचे हो, कितनी लर्निंग की है, कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सारा क्लियर है अच्छा, असाइनमेंट बना रहे हो? जी सर। आखिरी असाइनमेंट कौन सी बनाई थी? अभी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वाली बनाई है 2 दिन अच्छा पहले। जी चलो, मेरे मेरे ही एक सर्विस है, ठीक है? मैं जो है वो पेंटर सर्विसेज देता हूँ यूएसए के अंदर, ठीक है? तो एक मेरे पास दो हेडलाइंस आती हैं. एक हेडलाइन आती है बेस्ट पेंटर सर्विसेज इन शिकागो, क्योंकि सर्विस हमारी शिकागो में. एक बंदा ये लिख रहा ओके है, एक बंदा लिख रहा है नो हिडन चार्जेस, 5,000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स. कौन सी अच्छी हेडलाइन है? सेकंड वाली कौन सी सेकंड वाली? नो हिडन चार्जेस वाली 5,000 कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर। एग्जैक्टली, जबरदस्त. चलो ठीक है, गुड है. ग्रुप में ना पूछते रहा करो चीजों को. जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक ठाक सर आप बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं. हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन तक मेरा कवर हो ठीक है भाई, गया, ठीक है, अच्छा है. तो और क्या समझ आ रही चीजें? क्लियर जी सर हो रही स्टार्ट है? स्टार्ट में पहले वो थोड़ा इशू आता था, ठीक है. अगर अब सब कुछ समझ आ रहा है सही सही। इशू अगर कोई आता तो वो सर इमरान है, उनसे मैं पूछ लेता हूँ तो वो हमें कर देते हैं गाइड। दैट्स वेल एंड गुड. मतलब एक एक पैटर्न के अंदर हो, एक सिस्टम के अंदर हो, कोई जी प्रॉब्लम वगैरह सर नहीं है. चलो नहीं सर माशाल्लाह, अच्छी बात है. जी मैडम, रामीन कयूम. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलाम मैडम, आप क्या सिचुएशन चल रही है, आप कहाँ पे हैं, कितना हो गया, कितना रह गया? सर अभी जो लास्ट मैंने अपनी असाइनमेंट की थी वो नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च पर की थी, उसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन वो विद प्रैक्टिस वो ठीक हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। बाकी सब कुछ ऑल डन है, सब चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट सही हैं, असाइनमेंट भी बना रही हूँ तो अभी तक कोई मसला नहीं आ रहा। नेगेटिव फ्रेज मैच में कोई कीवर्ड डालेंगे, दो फ्रेजेज हैं, कोई भी कीवर्ड अगर हम नेगेटिव में डालते हैं और वो फ्रेज में आ जाए, उसका बिहेवियर क्या होगा? एग्जांपल के साथ समझाएं. ओके जो अभी सताना नहीं आ रहा। एलाबोरेट करें, मैं हेल्प करूंगा आपकी. चलिए लिख लें इसको, उतनी देर लिख लें, हम आगे से चक्कर लगा कर आते हैं. ठीक है जी उमर एजाज, क्या हाल है?
हाँ तुम टाइप करते हो, कैसे हो तुम? ठीक हो? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड। हेलो जी। जी सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी उमर एजाज, आप बता रहे थे कुछ। बताओ कहाँ पहुंचे हो, असाइनमेंट वगैरह कोई बनाई है? फिर आवाज आ रही है मेरी? आवाज मुझे आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने कोई असाइनमेंट वगैरह बनाई है? ठीक ये सर प्रीवियसली मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी, है। कोई हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन कवर की थी उसमें मुझे क्या ना, बनाना मुझे वो, मुझे वो टैग करो ग्रुप के अंदर, जिधर भेजी थी ना मुझे वो टैग कर दो। है। जी ठीक ठीक है, है बस मुझे बाकी चीज़ें वगैरह समझ आ रही हैं? कोई मसला परेशानी? जी सर अब तक सब क्लियर है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर फारूक, सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ उमर कैसा चल रहा है सब, चीज़ें वगैरह ठीक है? अभी तक तो ठीक है सारा कुछ, बस रिवीजन ही हो रही है और तो कुछ भी नहीं है अभी। चलो इंशाल्लाह। तो असाइनमेंट्स वगैरह कोई बना रहे हो? सच बताऊं नहीं, टाइम नहीं होता। नहीं, उसको थोड़ा मैनेज करो, ठीक है, बनाओ, बाकी शेयर हाँ करेंगे इंशाल्लाह जरूर जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और हमारे साथ हैं फरजाद खान और नुमा नजीबुल्ला। फरजाद खान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर। बताओ भाई कहाँ पहुंचे हो, कोई असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हो, क्या सिचुएशन है, किसी सर अभी तक टॉपिक? तो तकरीबन सब समझ आ रहा है, तकरीबन चलो माशाल्लाह। ऑल क्लासेस भी रेगुलर हुई, असाइनमेंट वगैरह सर मैंने बनाई थी लास्ट जो आपने सेंड की थी उस पे किया था। ठीक है। अभी अभी कोई असाइनमेंट वगैरह रेडी किए हैं? मजी अभी फ्रेश अभी किए हैं? अभी नेगेटिव कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, वही ठीक चल रहा है बस। है, चलो चलो। अच्छा, माशाल्लाह। बस ये है कि चीजें समझ आनी चाहिए, कहीं आप लोग स्ट्रक ना हो जाएं, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, बस मेहनत करते रहना है। बेसिक्स बहुत अच्छी क्लियर करनी है आप लोगों ने।
अगर आप लोगों की बेसिक्स क्लियर नहीं होगी ना, सॉरी, ठीक है, तो आप लोगों को आगे जाके बहुत मसले होंगे। अपनी बेसिक्स पे टाइम लगाएं, 3 महीने 2 महीने जितना बेसिक्स पे लगा सकते हैं, और बेसिक्स यही है, कीवर्ड रिसर्च, एड कॉपी राइटिंग, बिडिंग स्ट्रेटजीज, ये जिस बंदे को क्लियर हो गई है ना 3 चीजें, वो बंदा कहीं मार नहीं खाता आगे पूरे गूगल एड्स के अंदर। मुझे तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया अब टाइम फुल टाइम करते हुए, 8 घंटे डेली के गूगल एड्स करता हूं, ठीक है। तो मेरा अभी तक यही पर्सपेक्टिव है कि जिस बंदे को बेसिक्स क्लियर है ना, वो कहीं मार नहीं खाता, कहीं मार नहीं खाएगा, वो सुकून से बैठ के काम करेगा। जिसकी बेसिक्स रट्टे वाली है ना, वो बेचारा मार खाता रहता, वो यही सोचता रहता है कि अभी कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, मुझे एड कॉपी में क्या करना है। कोई बड़ी वेबसाइट आ गई जिसकी बट 200-300 प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो वो बेचारा वहां पे उसके ना होशो हवास खो बैठेगा, बोलेगा इसका मैं किसा एड ग्रुप बनाऊंगा, क्या कीवर्ड रिसर्च करूंगा। तो वो चीजें हैं, अभी अभी अपनी जो बेसिक्स लेवल की चीजें हैं ना, वो बहुत अच्छी क्लियर करनी है। आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी हो, आपकी आपकी एड कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी हो, आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज आप लोगों की बहुत अच्छी हो, और कोशिश करें, मैंने आप लोगों को शुरू में भी एक बात कही थी गूगल एड्स के हवाले से कि नॉलेज की वैलिडेशन बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। जो भी आपने नॉलेज हासिल की है उसकी वैलिडेशन करनी है आपने इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब खोलें, लिंक्डइन खोलें, लिंक्डइन पे बहुत कंटेंट है। कोशिश करें किसी भी पाकिस्तानी की पोस्ट आपकी लिंक्डइन के ऊपर घूमे ना, बड़े अच्छे वो फॉरनर्स हैं, गोरे बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, वो एमिलिया फॉलर बहुत अच्छा लिख रही है, वो एड्रियन मैक्स रचर ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कासिम असलम को सुने आप, जॉन मॉन को सुने आप, ठीक है, इनको जो है ना वो फॉलो करें, इनको इनको कंटेंट पढ़े, इनको इंटरेक्ट करें इनके साथ कमेंट्स के अंदर, यू लर्न अ लॉट बहुत अच्छे तरीके से। वो एमिलिया फॉलर आजकल बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रही है, किसी दिन 2-3 घंटे बैठे उसकी पूरी प्रोफाइल को रीड आउट करें, यू केम टू नो के कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, ऑडिट के आइडियाज हैं बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उजैर खारावाला को सुने, उजैर खारावाला मेरे उस्ताद रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और मैंने उनसे बड़ा सीखा है, और मैं फुल टाइम उनको जो है वो मैं जी बिल्कुल नुमान आई विल शेयर विद यू गाइस, मैं आपको एक उसका एक डॉक्यूमेंट बना के शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट एक व्हाट्सएप मैसेज बना के शेयर करूंगा उन सब की प्रोफाइल से, उनको फॉलो करें। तो उजैर खारावाला की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी आसान अल्फाज में है, बड़ा बेसिक अंग्रेजी बोलते हैं वो, बेसिक लेवल के, उसके अंदर आपको जो है ना वो चीजें क्लियर वो है करवा देंगे इंशाल्लाह। तो वो जो है ना वो आप लोगों को वैलिडेशन करनी है, जैसे मैंने रामीन को यूम आपको कहा कि आपने जो है वो फ्रेज मैच है, तो फ्रेज मैच के नेगेटिव डालेंगे तो कीवर्ड किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपका काम ये कि आपने आज आज सारी रात बैठ के ये रिसर्च करनी है कि नेगेटिव कीवर्ड की 10-12 वीडियोस देखें, 2-3 आर्टिकल पढ़ें, उसके आपको रट जाएंगे नेगेटिव कीवर्ड्स के होते क्या, परफॉर्म कैसे करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम आपके लिए कोई लाइव अकाउंट भी अरेंज करेंगे जिसके अंदर आप लोग जो है वो उसको मॉनिटर करेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आसानियां करेगी इंशाल्लाह। तो मतलब ओवरऑल सब ठीक चल रहे हैं, मतलब ओके है, ठीक है, किसी को कोई मसला परेशानी अगर है तो, और हमारे साथ और भी लोग हैं अभी, आफ्ताब इकबाल हैं, भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ सब फिट जा रहा है अभी तो। चलो माशाल्लाह, कोई असाइनमेंट वगैरह बनाई है? लास्ट कब बनाई थी? असाइनमेंट नहीं, मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं काफी। ठीक है माशाल्लाह, गूगल एड्स की चल रहे हैं? हां जी गूगल एड्स की हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमारे पास मतलब पढ़े लिखे लोग मतलब प्रोफेशनल भी हैं गूगल एड्स के, तो ये अच्छी बात है, आपसे बाकी लोगों को भी जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है यार। जी नजीबुल्लाह, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खाया? जी सर खा लिया। क्या खाया आज? सर चिकन कोरमा खाया आज। क्या बात है यार, मैंने जलेबियां खाई हैं, तुमने चिकन कोरमा खाया। चलो अच्छा यार, माशाल्लाह, बताओ भाई काम कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। और कोई मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई होता है तो मैम भी अच्छे से वो क्लियर कर देती हैं, और सर इमरान भी, तो कोई इशू वाली बात नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। चले चले माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आज जो है वो मैडम आप हमें थोड़ा सा गाइड कर
करें इनको लैंडिंग पेज के बारे से कितना पढ़ा दिया अभी तक हम लोगों ने, तो लैंडिंग पेज का आज इनका ऑप्टिमाइजेशन है, तो मुझे पहले इनकी बेसिक लेवल की चीजें बता दें कि कितना पढ़ लिया और इनको करवाना क्या है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का तो मुझे पता है क्या करवानी है इनको। सर लैंडिंग पेज का इन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, हम लोग अभी ये कीवर्ड्स और यही सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। हम लोगों ने हेडलाइंस की स्टार्ट की थी। अच्छा चलें, मतलब आपका लैंडिंग पेज सबका जीरो है इस टाइम, आपको लैंडिंग पेजेस का भी कोई वो आइडिया वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सॉरी, आप लोगों के पास टाइम है ना आज, हम एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह आप सब लोगों ने हिम्मत करनी है, हौसला करना है। अभी आज हम टॉपिक क्लियर करने लगे ना, कवर करने लगे, नॉट ओनली फॉर द गूगल एड्स, फॉर एवरी डिजिटल स्किल, फॉर एवरी ईच एंड एवरी डिजिटल स्किल। आप फेसबुक एड चला रहे हैं, इंस्टाग्राम एड चला रहे हैं, लिंक्डइन एड चला रहे हैं, बिंग एड चला रहे हैं, चला रहे हैं, वट एवर कुछ भी चला रहे हो भाई, आप एसईओ कर रहे हो, लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है ना, तो लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो इसका ये मतलब है आपकी शॉप बुरी है। आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा के एक अच्छी जबरदस्त किस्म की गूगल एड्स की कंपेन तो चला देते हैं, लेकिन जब आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कोई आए, ठीक है, आप एक मर्सिडीज पे आया क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट, महंगा क्लाइंट आप लेकर आए हैं और आप उसको खोके भी ले आए, तो वो बोलेगा भाई मुझे चीज समझ नहीं आ रही। तो लैंडिंग पेज एंड द वेबसाइट इज लाइक योर शॉप, अगर आपकी शॉप जो है वो अच्छी नहीं है, शॉप के अंदर चीजें अच्छी नहीं है, तो आपका कभी भी जो यूजर आया है वो आपसे बाइंग नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मुझे पेस्ट कंट्रोल की, पेस्ट कंट्रोल में चलो, मुझे वाटर प्रूफिंग की सर्विस चाहिए, रूफ वाटर प्रूफिंग की, ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे अर्जेंट जरूरत है। मैं गूगल पे टाइप करता हूँ वाटर रूफ प्रूफिंग सर्विसेज नियर मी या वाटर प्रूफ रूफ वाटर प्रूफिंग सर्विसेज नियर मी, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए। मैं पहले एड बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जी हमारे इतने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, इतने अच्छे रिव्यूज हैं, मैं उस एड पे क्लिक करता हूँ तो मैं आगे देखता हूँ, आगे फजूल सी एक छत की तस्वीर और कोई अच्छी हेडलाइन नहीं, कोई रिव्यूज नहीं, कोई सोशल ट्रस्टेड टैग्स नहीं, स्पीड उसकी डेड खुल रही है, तो मैं तो कभी भी उस पर कन्वर्ट नहीं हूंगा भाई। आप सब लोग मुझे बताएं कि जो वेबसाइट देर से, आप लोगों को कोई सर्विस चाहिए, कार रेंट चाहिए, आप लॉयर की सर्विसेज चाहिए, जो भी सर्विस आपको चाहिए, आप हमेशा जब 2 से 3 लैंडिंग पेज ओपन करते हो तो जो लैंडिंग पेज देर से खुलता है आपके माइंड में क्या आता है फरजाद खान, अब आपके माइंड में क्या आता है उस टाइम कोई कोई लैंडिंग पेज देर से खुल रहा हो तो? सर मोस्ट प्रोबब्ली होता है कि या तो साइड स्पीड स्लो होगी या उसके एसईओ पे मैं एसईओ करता हूं। ये तो आपने देखो मेरी बात सुनो, मुझे मान लिया तुम एसईओ कर रहे हो, लेकिन तुमने एक आम लेमैन यूजर की तरह बताना है कि क्या होगा, तुम्हें अनट्रस्टवर्दी लगेगा। अगर एक कॉमन बंदा ना जो 45 ईयर्स ओल्ड है या 40 ईयर्स ओल्ड है या कोई भी है, वो जब उस वेबसाइट को खोलेगा तो उसको उसको अनट्रस्टवर्दी लगेगा, उसको लगेगा ये कोई स्कैमिंग है, दे आर वेरी डेड स्लो, वो फौरन भाग जाएगा वहां से। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक दें यहाँ पे, ऐसा ही होगा ना। अगर आपने 2 से 3 कुछ सर्विस सर्च की है या आप कोई अपनी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और एक लैंडिंग पेज जल्दी जो है वो खुल रहा है, बाकी लैंडिंग पेज जो है वो बहुत डेड स्लो खुल रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट किस पे बिल्ड होगा, जो जल्दी खुला या देर से खुला? मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी कोई भी कस्टमर आप लोग, और एक और चीज, आपको जितने मर्जी अच्छे गूगल एड्स आते हैं भाई, जितनी अच्छी पीपीसी की कैंपेन आती है, जितनी अच्छी फेसबुक की कैंपेन आती है, अगर आपके कस्टमर का लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, आपने उसे माफी मांग लेनी है, आपने कहना मैं आपका कैंपेन नहीं चलाऊंगा, मैं आपकी कैंपेन नहीं चलाऊंगी जब तक आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है। लैंडिंग पेज और वेबसाइट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल पेजेस की कंपोज हुई होती है, और लैंडिंग पेज होता है एक ही पेज होता है टोटल, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। आप मिक्स ना कीजिएगा, अगर मैं कहीं वेबसाइट बोल रहा हूँ कहीं लैंडिंग पेज बोल रहा हूँ, तो मिक्स नहीं करना उसको, वो एक ही चीजें, लैंडिंग पेज एक पेज, वेबसाइट अ सेट ऑफ लैंडिंग पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट,
ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं कि जब आपको कस्टमर आया आपके पास, कस्टमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम रामीन कयूम, मैं आपसे पीपीसी के एड चलाना चाहता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको देखें और बताएं कि मेरे से आप क्या चार्ज करेंगे और क्या जो है ना, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है आफ्ताब इकबाल, आपने जो है उसके लैंडिंग पेज का ऑडिट करना है। लैंडिंग पेज का ऑडिट करने के कुछ आप लोगों को मैं पहले अभी करेक्टरिस्टिक बताता हूँ क्या है, किस तरीके से उसकी स्पीड वगैरह टेस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, और वो और एक चीज़ कहीं पे साइड पे लिख लें, आपने आपके लिए लाजिम और मलजूम है किसी भी वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का आज के दौर में मोबाइल वर्जन लाजमी टेस्ट कर लेना, मोबाइल वर्जन उसका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट चलेंगी क्योंकि यू आर गेटिंग मोर देन 80% ऑफ योर कन्वर्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम द मोबाइल फोन्स। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो माजरत के साथ आप डिजिटल दुनिया के अंदर अछूत हैं, बनी शूदर से ताल्लुक है आपका, आपके पास लीडें नहीं आएंगी, ठीक है, तो ये मामला है। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना मैडम, इस बात को कट कर देना बनी शूदर वाली बात को, ठीक है सर, चलें। अच्छा जी, अब हम ना कोई अच्छी दो तीन वेबसाइटें निकाल लेते हैं, ये भी नहीं है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मुझे बताना आप लोगों ने, यस सर हो रही है। ये पूरा लर्निंग पेज हो गया जी, अच्छा टास्क बार, अच्छा जी अभी हम जो हैं वो क्लीनिंग हाउस क्लीनिंग होम क्लीनिंग की सर्विसेज के कुछ लर्निंग पेजेस मेरे पास खुले हुए हैं, ठीक हो गया, ये आप लोग देख रहे हैं, और ये भी सो गुड है लेकिन आसानी के लिए हम दो यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी लैंडिंग पेज आएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास लैंडिंग पेज आया ये होम ग्लो वाला, ठीक है, सबसे पहले आपने जो किसी भी वेबसाइट का टेस्ट करना है आपने उसकी स्पीड वगैरह टेस्ट करनी है कि उसकी स्पीड वगैरह कैसी है, उसका ओपनिंग टाइम क्या आ रहा है आपके पास, ये एक वेबसाइट है speedtest.web.dev, मतलब ये आप लिखेंगे ऑनलाइन स्पीड वेब स्पीड टेस्ट तो ये आपके पास इजीली ओपन हो जाएगा ये इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स है जिनको हम क्विकली ओवर थ्रू करेंगे कि आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट से आप लोगों ने क्लोजिंग की, क्लाइंट ने आप लोगों को अपनी वेबसाइट दी, उस वेबसाइट का आप लोगों ने ऑडिट शुरू कर दिया, सबसे पहले आप उसकी स्पीड चेक करेंगे, उसका ओपनिंग टाइम देखेंगे आप, उसके ऊपर उसका लोडिंग टाइम देखेंगे, वो हम देखेंगे जी हमारे पास एक वेबसाइट है स्पीड इनसाइट्स के नेम से, पेज स्पीड इनसाइट्स के नेम से, इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक सेकेंड मेरी आंखों में चुभ रही है, अच्छा तो अब कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, अभी एक मिनट इसको पूरा ओपन होने दें, अच्छा ये खुल गया, ये देखिए जी जब आप पहले ऊपर आएंगे आपने वेबसाइट पुट की, आगे एनालाइज पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आगे नीचे इसके दो वर्जन आ गए, मोबाइल वर्जन भी आ गया और
डेस्कटॉप वर्जन भी आ गया। इधर से आप मोबाइल वर्जन चेक कर लेंगे इसका, और इधर से आप डेस्कटॉप वर्जन के जो स्पेक्स आ रहे हैं या जो एनालिटिक्स शो कर रहे हैं वो आपके पास खुल जाएंगे। अब जब मैंने, आपने नीचे आ जाना है, अब यहाँ पे कोशिश, ये एक लिखा हुआ FCP, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, जब भी कोई वेबसाइट आप खोलते हो, मिसाल के तौर पे मैंने ये वेबसाइट खोली तो ये जो इसका ये वाला एरिया ना सारा, जो पहली तस्वीर खुलती है, पहला जो इमेज इसकी आती है, ये नीचे नहीं, जो सबसे पहली इमेज आ रही है, इसको कहते हैं FCP। आपने ब्रेक डाउन करना है टर्म्स को, जैसे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेज है इस लैंडिंग पेज का या वेबसाइट का। तो ब्रो इसकी स्पीड क्या आ रही है, 4.7 सेकंड। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसकी स्पीड जो है वो अराउंड और लेस 3 सेकंड होनी चाहिए ओपनिंग टाइम, और स्पेशली मोबाइल के अंदर तो बहुत जरूरी है ये, वेब के अंदर इनकी ठीक होगी। ये देखो 1.4 सेकंड आ रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है इनकी वेब की, लेकिन मोबाइल पे इनकी 4.7 सेकंड। तो कोशिश ये करनी है कि मोबाइल के ऊपर जो FCP आए वो अराउंड 3 सेकंड के अराउंड आनी चाहिए। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लो अभी, सब हाँ करोगे, समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई है। जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाए जी, इसके आगे ये एक लिखा हुआ खाना, उसको कहते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, इसको कहते हैं LCP। LCP होता है कि उस पूरे लैंडिंग पेज के अंदर, ये जो अभी हम लोगों ने भाई लैंडिंग पेज खोला, मिसाल के तौर पे ये एक मैडम बनी हुई है, इन मैडम की तस्वीर हैवीएस्ट है या इसका सबसे ज्यादा MBs है, या ये कोई नीचे तस्वीर डली हुई है, ये कोई है, वो तस्वीर जिसका जिसके MB सबसे ज्यादा है उसको कहते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। उस लैंडिंग पेज की, उस वेबसाइट की जो सबसे हैवीएस्ट तस्वीर है उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, वो कितना आ रहा है जनाब इस वेबसाइट का, 7.6 सेकंड्स। कुल अंता बर्बाद आपका, मतलब सोचे आपने एक वेबसाइट खोली, पहला उसकी तस्वीर आने में 5 सेकंड लगे आपको, 5 सेकंड के बाद आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे फिर 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, 7.6 सेकंड। तो 7 सेकंड मेरा नहीं ख्याल के जितनी अथरी हम कौम है इंतजार करेंगे, आपको खुद भी अब बोलोगे यार ये क्या। कॉन्ट्रेरी टू दैट, आपकी जो सर्विस बंदा लेने आ रहा है उसने सिर्फ आपको नहीं सर्च करना, उसने आपके साथ 3-4 और लोगों को भी सर्च करना, ठीक है? तो वो जब देखेगा कि ये वेबसाइट जो 5-6 सेकंड ले रही है, वो फौरन अगली वेबसाइट खोल लेगा, वो आपको डिच करा देगा। ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो FCP है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है, दैट शुड बी अंडर 3 सेकंड्स, ठीक है? और जो आपका LCP है, लार्जर कंटेंटफुल पेंट है, वो 4-5 सेकंड हो, दैट्स प्रीटी फाइन, ठीक है? और मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है ये हमेशा अच्छी होनी, 80% एंड अबव परफॉर्मेंस लाजमी होनी चाहिए मोबाइल की। अब ये देखें जनाब, आपकी ये जो है ना, इसका ट्री मैप खुल गया पूरा, मतलब जब भी मैं आपकी इस वेबसाइट मैंने क्लिक किया, मोबाइल वर्जन है ये सारा, तो पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथे पे हाफ वेबसाइट नजर आई, देख रहे हो? अब देखो, ये देख रहे हो ये जो तस्वीर है, एक मिनट ये देखना, ये देखो कि ये तस्वीर जो है 1, 2, 3, 4, पहले 5 सेकंड में तस्वीर ही पूरी नहीं होती, फिर जाके 6-7 में जाके तो ये जो इमेज है ये पूरी हो रही है, समझ आई आप लोगों को? तो ये कितनी देर से खुल रही है, मतलब पहले मुझे 3 निशान नजर आएंगे, फिर वो आएंगे, फिर जाके वेबसाइट पूरी होगी। तो ये तो बहुत बड़ा वो फ्लॉ है, ये ड्रास्टिक मसला है, तो आपने उसके डेवलपर के कान पकड़वाने हैं थोड़े से, कहने ये मुझे ठीक करके दो, ठीक है? दैट शुड बी अराउंड 80% और समथिंग, ठीक है? और आपका ये जो FCP है, FCP क्या होनी चाहिए, अराउंड 3 सेकंड, LCP क्या होनी चाहिए, अराउंड 5 सेकंड्स। समझ आ गई? आप अपने क्लाइंट की जब उसकी वेबसाइट का ऑडिट करके देंगे ना उसको कि ये मसले, वो बोलेगा, और कभी भी क्लाइंट को ऐसे नहीं कहना, हाँ जी वो मैंने आपकी वेबसाइट चेक की है उसमें मसले हैं जी, उसको ठीक रहे, नो वे। 2 मिनट के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलो, ये वाली स्क्रीनशॉट है सोनी सोनी करके साथ लगाओ, ChatGPT से उसको छाप के सोना सा चेप दो क्लाइंट, नॉट चेप दो अस्तगफिरुल्लाह, ये गलत टर्म है, लेकिन लाइक उसको बता दें कि आप ये काम है, ये है भाई, ये मसले हैं, ये ठीक करवा लो। तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes, समझ आ रही जी, ठीक है? Yes, yes, sir. अब हम यहाँ पे और देखो, अभी देखना डेस्कटॉप पे क्या इसका सिनेरियो, ये देखो डेस्कटॉप पे भी इसको ये मसला आ रहा है, ये लोडिंग में टाइम ले रही है,
1-2.7 सेकंड ले रही है, लेकिन ये क्यों इतना टाइम ले रही है, इसके नज़र ही नहीं आ रहा ट्री मैप का। अब यहाँ पे हम कोई कुछ और ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अब देखना अभी। क्यों नहीं ओपन हो रहा? तो अभी ये ओपन होता तो फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ क्या है। तो ये चीज आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर हो गई कि आप लोगों ने उसको जो पहले इनिशियल स्पीड का ऑडिट करके देना है वो किस तरह का देना है? जी सर, ये आपने सबसे पहले स्पीड बतानी है। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ के क्या मसले हैं वेबसाइट के अंदर। स्पीड खराब है, उसका लोडिंग टाइम बर्बाद है। आपने कहना है ये तो ऐसे कोई शॉपर वेबसाइट है, इसको तो जान छुड़ाओ इससे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो, अब कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। मार्केटिंग सेंस क्या होती है? मैंने होम क्लीनिंग की सर्विस करवानी है, मैंने होम क्लीनिंग लिखा, मेरे सामने हेडलाइन आई, नोमान अली कोई अच्छी सी हेडलाइन बताओ, तुम्हारी होम क्लीनिंग की सर्विस है, मजा आ जाए हेडलाइन सुन के। चलो भाई कोई यार हेडलाइन बताओ मस्त किस्म की। ओके सर, सोच के बताता हूँ। सोचो, जल्दी सोचो, टाइम नहीं है भाई जान। कोई और बताए जल्दी से मस्त हेडलाइन बताए जी। अगर हमारा होम क्लीनिंग का बिजनेस है तो एग्जांपल में दे दो कोई, किस तरह की हेडलाइन यूज करें अच्छी। कीप अ क्लीन एंड हेल्दी होम। नहीं यार, क्लीन हेल्दी नहीं यूज करेंगे आप। इमरजेंसी होम क्लीनिंग भी यूज कर सकते हैं। ओ नहीं भाई, एडा तू रेस्क्यू 1122 रह गया मामा। नॉट रियली यार, ऐसे नहीं करना। बात सुनो मेरी गौर से, आप लोगों ने जो है ना वहाँ पे ये करना है कि मैंने आप लोगों को हेडलाइन लिखने का अच्छा तरीका सिखाया था कि आप लोगों ने जो है वो ये लिखना है कि नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स, नंबर ऑफ क्लीनिंग्स हैव यू डन, ठीक है, आपके आपकी रेटिंग क्या है 4.9 रेटेड, आपके आपके नंबर ऑफ सर्विसेज कितने दिए, आपके जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो सर्टिफाइड हैं, आपके जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो हाइजेनिक हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि बिजनेस की माइक्रो लेवल नीच को समझना है। क्लीनिंग बिजनेस है ना, तो क्लीनिंग बिजनेस के अंदर लोग क्या देखते हैं, हाइजेनिक होना चाहिए, ठीक है। एक हाइजेनिक किसी भी हेडलाइन के अंदर लिखोगे ना कि हाइजेनिक हमारे क्लीनर्स हैं, ओहो नीट एंड क्लीन क्लीनर्स, कितनी अच्छी हेडलाइन है ये। आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर के जो सफाई वाला आ रहा है वो साफ सुथरा है, ठीक है। उसके बाद आप लिखें जी 100 के सेटिस्फाइड कस्टमर्स, आप लिखते हैं जी 4.9 रेटेड ऑन गूगल, या 4.9 रेटेड लिख दोगे ना, 4.9 रेटेड, क्या मजेदार हेडलाइन है। तो इस पे आप लोग कन्वर्ट हो गए या नहीं हो गए, या आप लिखोगे जी इमरजेंसी क्लीनिंग सर्विस लाहौल वाला कुआत। तो इस तरीके से जो है ना वो आप जो है ना वो चीजों को अभी इधर से कोई बेस्ट और हेल्दी पे भी पहुंच गया था, ठीक है। तो वो इस ये जो है ना आप लोगों ने अपनी चीजों को जरा सोच के समझ के प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आसानी होगी। तो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या, रूट लेवल जो कोई भी बिजनेस की होगी ना उसको देखते हुए, देखो अब एक टॉपिक आया वो किस तरह उधर बात चली गई हेडलाइन पे दोबारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये मिसाल दे रहा था कि एक बंदा है, उसको होम क्लीनिंग सर्विस चाहिए, उसने गूगल पर सर्च किया होम क्लीनिंग सर्विस नहीं अमी, ठीक है, उसके सामने अच्छी हेडलाइन आई 4.9 रेटेड सर्टिफाइड क्लीनर्स, उसने उस पर क्लिक किया। मैं जब भी कोई वेबसाइट खोलूंगा ना, बेशक उसको मैं बाकी पढ़ूंगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट के ऊपर ना, किसी भी जो वेबसाइट ओपन होती है, यू जस्ट गॉट 3 seconds टू कन्वर्ट दैट यूजर और दैट ट्रैफिक, जस्ट 3 seconds। अगर 3 सेकंड के अंदर आपने यूजर को कन्वर्ट कर लिया, उसको ऐसी चीज दिखा दी लैंडिंग पेज के ऊपर, वो बोलेगा क्या शाही सर्विस है इनकी,
वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3 सेकंड से देर होगी उस यूजर को, फिर आप बार रीमार्केटिंग की कैंपेन नहीं चलाते रहना, ठीक है? ट्राई टू मेक श्योर। अच्छा मेरे अब्बू जान की कॉल आ रही है, आई नीड टाइम, मुझे बस 4 से 5 मिनट दीजिए, मैं बहुत सॉरी कर रहा हूँ आपसे। उतनी देर आप ये जो मैंने लर्निंग पेज खोला हुआ था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको खुद एनालाइज करें, कोई ना कोई वेबसाइट डालें स्पीड इनसाइट्स के अंदर, उसकी स्पीड वगैरह को चेक करें। उतनी देर 5 मिनट में हो जाएगा, मैं अब्बू जान से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, हेलो। चलें कोई 1% जो है वो स्क्रीन शेयर कर ले और फिर हम उसको देखते हैं, कोई भी वेबसाइट डालें और उसको देखते हैं। कौन इस वक्त लैपटॉप पे है? नुमान जी मैं, चलें स्क्रीन शेयर करें। जी जी ओके। Page speed insights, वेबसाइट कौन सी ले? होम क्लीनिंग सर्विस की ले लेते हैं कोई। आप यहाँ लिखो साइट पे होम क्लीनिंग सर्विस यूके लिख लो, वहां से कोई वेबसाइट ले लेते हैं। चलो ये ले लो, दिस विल पैरल। काफी टाइम ले रही है जी मैम। खुल गया, खुल गया। आजो आजो नीचे आओ, उसको देखते हैं। ओ इसका तो मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, बहुत ज्यादा 7.9 पे पहुंचा हुआ है। और दूसरा लार्जेस्ट 11, हाँ ये सही है। का 7.9 सेकंड और 11.8 सेकंड। और क्या कितना होना चाहिए? लेस देन 3 होना चाहिए। हाँ वो फर्स्ट में और सेकंड में, कंटेंटफुल प्रिंट और लार्जेस्ट में होल देन 5 तक होना चाहिए। एग्जैक्टली सही है मैम, ये अच्छी होगी। अच्छा इसके डेस्कटॉप भी चेक कर लेते हैं ना। हाँ जबरदस्त 1.3 और 1.4 और 1 ये अच्छी है। अच्छा नीचे आओ यहाँ पे, इसके तो इशू नहीं होंगे लेकिन इसके तो होंगे, जैसे ये है इमेजेस का इशू आ रहा है। Unused JavaScript इसने यूज की हुई है। अच्छा डेस्कटॉप पे चेक करो। अच्छा वो भी बैड है 58। मैं इसमें कोडिंग वगैरह यूज की हुई लग रही है जिसकी वजह से वो डिले दे रहा है। ये देखिए
उसने वो ब्लैक ही रखा हुआ है। कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए? थीम की प्ले ऐसी होनी चाहिए कि वो मैच भी करे, अच्छा लगे, जो मर्जी हो। अभी इसने ब्लैक एंड व्हाइट का रखा हुआ है, पिक्चर्स भी पीछे से ब्लैक बैकग्राउंड के साथ यूज किया, तो वो ओवर डिले इस वजह से भी कर रहा है। इन्होंने वो सिंपल सी रखी हुई है जिसकी वजह से स्पीड अच्छी है। मोबाइल पे भी इसकी डेस्कटॉप की भी अच्छी है 96। हाँ, नीचे आओ तो 0.6 सेकंड, 1 सेकंड लेस देन 1 है। बहुत जी ब्लॉकिंग टाइम ही नहीं है, उन्होंने ऑप्टिमाइज इस तरह से की हुई है। भाई आपके अपनी साइट है? नहीं नो, वो ये जस्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा, रैंडम साइट उठाइए। हाँ, इसी तरह आप रामीन आप शेयर करो, आपके भी देखते हैं आपकी साइड पे, फिर थोड़ा जी आप समझ आए। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी जी? ये एक मैंने देखी, ये ऑटो प्रो की। अच्छा, ये मोबाइल का है इसका। 47 परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये थोड़ा क्लोज है, जैसे सर ने कहा था कि 3 सेकंड या उससे लेसर होना चाहिए, ये 4 है, और इसका जो LCP है वो 5.8 सेकंड, और सर ने कहा था कि 5 सेकंड होना चाहिए, तो थोड़ा सा क्लोज है उससे। हाँ, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है कि मतलब 1 पे चला जाए, 1 point something या उससे भी लेस हो जाए, तो वो बेहतरीन हो जाता है। इसको बस रेड से खत्म करना है, जिस तरह मर्जी हो। हाँ, ग्रीन होना चाहिए ना, ग्रीन में आ जाए तो वो अच्छा है। ओके, और इधर में यही चीज देखनी होती है ना? हाँ, अब डेस्कटॉप भी देख लो। डेस्कटॉप देख लो। डेस्कटॉप, अच्छा ये 1.5 सेकंड है, तो ये रेड क्यों है? दोनों पे स्पीड मैटर करती है, अलग अलग होती है। नीचे आओ तो ये देखो, यहाँ पे ये 4 जो फ्रेम्स हैं वो ब्लैंक हैं। अब ऊपर चलो ना, ये देखो ऊपर। हाँ, ये देखो, ये रहा। हाँ, 1, 2, 3, 4। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी मैं दूसरी वेबसाइट भी कर रही हूँ, वो भी करती हूँ, फिर वो भी शेयर करती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप में से वेबसाइट कौन डेवलप कर रहा है? कोई डेवलपर है यहाँ अभी इस वक्त? सदफ, आपको समझ आ गई है? यस मैम। स्पीड टेस्टिंग की जी, बिल्कुल। और हुमैरा, आपको? मेरा एक क्वेश्चन था जी। अच्छा, अगर ये दोनों टेस्टिंग में फेल हो जाए, सही है, मतलब कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एक स्पीड होती है जैसे कि आउट ऑफ द बाउंड्री होती है, बंदा कहता है कि बिल्कुल किसी किसी जल्दी, आपका माइक खुला हुआ है। रामीन म्यूट कर लो आप। सॉरी, इट्स ऑलराइट। अच्छा, हाँ, वो मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपको वेबसाइट मिली है, ठीक है, अब कौन सी, अब जैसे कि आपको वर्ड मिला, राइट, अब इन्होंने तो कहा है कि अराउंड 3 होनी चाहिए इसकी, सही है, 3 से ज्यादा ना हो, बट नहीं, नहीं, इतनी हो सकता है कि कोई क्या नाम है, मतलब कि ये हो कि आली गई गुजरी हो, कोई ऐसी भी तो पॉइंट्स होते हैं ना, तो
तो वो गई गुजरी का यही होता है ना कि वो थक्कड़ वेबसाइट है, आप उसको देखो तो फिर उसके ऊपर रिजल्ट्स वो नहीं आते कि जो इंसान चाह रहा होता है कि रिजल्ट्स आए। एक दो वेबसाइट्स हैं, अगर उनका कंपैरिजन करें, एक अच्छी बनी हुई है और सेम वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी मतलब उसके क्वालिटी वाइज में ना, वो क्वालिटी वाइज वो है और उसमें लैग कर रहा है, तो आप के कहाँ कस्टमर जाएगा? डेफिनेटली जब वो कीवर्ड रिसर्च करके वहां पे पहुंचेगा तो वो उसके लिए कौन सी बेटर अप्रोच होगी जो फौरी तौर पे खुलेगी, वही बेटर अप्रोच होगी। अभी सर ने स्टार्ट में यही डिस्कस किया है जी, मैं सुन रहा हाँ, तो कि जो चीज आपके पास पहले खुल रही है और वो प्रॉपर, तो ट्रस्ट किसके ऊपर आपका बिल्ड होगा? तो जिसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा वो वेबसाइट जो है डेफिनेटली वो हर कोई वहीं जाएगा। अब हम अपने ऊपर रख के सोचते हैं तो मैं तो खुद यही सोचूंगी कि ये तो थक्कड़ सी वेबसाइट है, ये इसको इसको तो छोड़ो और दूसरी भी चले जाओ। अब कौन सी एक्सेप्टेबल होती है? अब देखिए, मैंने कुछ वेबसाइट देख रहा हूँ, ठीक है, उसका फर्स्ट कंटेंट पेंट पेंट जो है ना, जो FCP था वो 2 आवर है, ठीक है, और बाकी भी सारी चीजें हैं। टोटल ब्लॉकिंग टाइम इसका 1460 ms आ रहा है, उसकी वजह से उस पे रेड आ रहा है। लार्जेस्ट कंटेंट पेंट 2.4 है, वो ग्रीन में है, और स्पीड इंडेक्स इसका 4.2 है, बट इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 61% आ रही है। देखें, इसका FCP तो बिल्कुल ठीक है। उमर, सारी चीजें मैटर करती हैं, उसके अंदर कंटेंट मैटर करता है, हेडलाइंस मैटर करती हैं, डिस्क्रिप्शन मैटर करती हैं, आपके पास जो एड, आपके जो आपकी वेबसाइट के ऊपर चीजें हैं वो कितनी अट्रैक्टिव हैं और उसके अंदर कितनी खिचड़ी पकी हुई है, कितनी, अगर अगर वो बिल्कुल खिचड़ी वगैरह पकी हुई है तो वो जाहिर है डेफिनेटली वो हैवी एक वेबसाइट होगी, आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उस पॉइंट से ना। वो अब आई गेस यहाँ पे जो भी सबका वो है ना। वालेकुम सलाम जी सर। जी उमर भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे? देख उमर, तू शरीफ लोगों को ना यार, मेरे साथ सवाल करना तुझे, मैं बताऊँ। अच्छा इधर ना बोले। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है कि ना जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स बनी हुई है ना, उनका ज्यादा अच्छा जो फोकस है ना, वो डेस्कटॉप में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोबाइल, उसमें। और ये बड़ा गलत है। मैं somehow it also depends upon the server, ठीक है, लेकिन ये डेवलपर इशू है। हमारा ये टॉपिक डिस्कशन का नहीं है। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि हमने सिर्फ अपने क्लाइंट को अपडेट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों को जो है वो देख लो। हमायूं तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लो, ठीक है, कि ये मसले आ रहे हैं। हमें स्पीड अच्छी चाहिए, हमें आपकी जो नेविगेशन है, वेबसाइट नेविगेशन है, वो अच्छी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि वो जिस तरह मर्जी आप जो है ना वो उसको लोड कर जल्दी करा के दे या जो भी करा के दे, हमें अच्छी चाहिए वेबसाइट। तो इंशाल्लाह ही सॉर्ट आउट, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सब लोग एक कॉपी पेंसिल पकड़े और मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाने लगूं, वो पॉइंट्स आप लोग लिख लें। सबके पास है कॉपी पेंसिल? यस। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखें। आप लोगों ने जो भी, जब भी क्लाइंट का लैंडिंग पेज आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीड टेस्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को पता आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, लिख लिया साहब ने स्पीड टेस्ट। अच्छा जी, दूसरी लाइन आप लोग ये लिखें, अ हाईली कन्वर्टिंग हेडलाइन, अ बिग एंड बोल्ड हेडलाइन, जिस लैंडिंग पेज को ओपन करते साथ उसकी सर्विस से रिलेटेड एक हाईली कन्वर्टिंग लाइन नहीं होगी, हेडलाइन नहीं होगी, आपको वो हेडलाइन ऐड करवानी है। अभी मैं आप लोगों को दो लैंडिंग पेजेस दिखाऊंगा, यू विल गेट टू नो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी किस लैंडिंग पेज की कन्वर्ट होने की है, ठीक है। चलें जी, मैं आप लोग जो लैंडिंग पेज शेयर करने, अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, अब आप लोगों ने देखना। अच्छा देखो, हेडलाइन इसके अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर भी हेडलाइन लिखी हुई है, इसके अंदर भी हेडलाइन लिखी हुई है। आप लोग दोनों लैंडिंग पेज को देखते हुए किस पे कन्वर्ट हो गए, होमा ग्लो पे
या स्मार्ट क्लीनिंग पे? जल्दी से बताओ सारे। मोमेंटो पे। स्मार्ट क्लीनिंग। स्मार्ट क्लीनिंग पे। स्मार्ट क्लीनिंग। स्मार्ट क्लीनिंग ये वाली है जी सर, ठीक है। यस। और होमा ग्लो ये वाली है, किस पे कन्वर्ट हो? स्मार्ट क्लीनिंग। स्मार्ट क्लीनिंग। जिसने स्मार्ट क्लीनिंग बोला मुझे बताओ क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसका पेज अच्छा सर, ट्रायल 1 मंथ। ट्रायल 1 मंथ। ट्रायल 1 मंथ का, ठीक है। इसका पेज बहुत चीप सा लग रहा है होमा ग्लो का। देखो मेरी बात सुनो गौर के साथ, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो इस बंदे ने क्या लाइन लिखी है, 5-star house cleaning at affordable prices। इसने prices use की है, utilize की है और 5-star दिया। नीचे आपको instantly tag नजर आ रहे हैं। टैग क्या नजर आ रहे हैं कि जी टॉप रेटेड क्लीनर्स है। प्राइसिंग का बेशक दोबारा रिपीट हो गया। और तीसरी चीज इनके इजी ऑनलाइन बुकिंग। यहाँ पे गूगल कहीं ना कहीं सोशल ट्रस्टेड टैग मिसिंग है, वो क्या है, 5-star रेटिंग। गूगल 5-star रेटिंग, या आप लिखोगे एक एक फिगर आ रहा ऊपर, एक नंबर चल रहा ऊपर। एक मिनट, किस लैंडिंग पेज के ऊपर? ये देखो, इसके ऊपर कोई कन्वर्ट नहीं होगा इस लैंडिंग पे। ये एक शॉपर लैंडिंग पेज है। ये देखो क्यों है, इन्होंने सिर्फ ये लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू डोंट पे, इफ यू लाइक अवर सर्विस टेक 50% ऑफ द। इनका जो कंटेंट राइटर है उसने देखो लिखा हुआ क्या है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड You don't pay. If you like our services, take 15% off first month. नहीं है भाई ये कोई, यहाँ पे आप लोगों को कोई नजर आ रहा है कि कोई टैग लिखा हुआ हो ऐसा कि इन लोगों का कोई नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं, कितनी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की हैं, कहीं गूगल रिव्यूज का जो गोल्डन से होते हैं 5 सितारे वो कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं वो स्टैम्प सी लगी हुई है सर्टिफाइड, नहीं लगी हुई ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये वाला लैंडिंग पेज है, ये उससे बेटर है। अगर यहाँ पे एक गूगल 5-star रेटिंग किया, वो रिव्यू का लगा हुआ निशान, इस साइड के ऊपर एक टैग लगा हुआ हो सर्टिफाइड हाइजेनिक क्लीनर्स, ठीक है, और यहाँ पे 3 जगह पे आ रहा हो 100,000 सर्विसेज डन, ठीक है, कवरिंग US, या साथ लिखा हो नो हिडन चार्जेस, वैसे लिखा हो, तो मुझे बताएं इस लैंडिंग पेज के अंदर ऊपर आप कन्वर्ट होंगे या इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप कन्वर्ट होंगे? सर पहले वाले लैंडिंग पेज के ऊपर। क्यों? सर उसने बहुत कुछ मेंशन कर दिया है अपनी रेलेवेंसी के लिए, अपने आप को जेन्युइन शो करने के लिए। एग्जैक्टली ये जो लफ्ज तुमने यूज किया जेन्युइन शो करने के लिए, तो जेन्युइन हम किस तरह शो होते हैं, जब भी हम सोशल ट्रस्टेड टैग यूज करते हैं किसी भी, बल्कि रुको मैं आप लोगों को ना एक वेबसाइट दिखाता हूँ। इसमें थोड़े टैग नीचे यूज हुए लेकिन आई विल शो यू गाइस, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, एजेंसी के वाले से किसी ने बनवानी हो ना तो इसको जो है वो यूज कर सकता है। एक मिनट, ठीक है मैडम पहले लिंक भेज देना फिर वो डिस्टर्ब ना हो जाए हम लोग।
सर यू आर म्यूट। अच्छा आप लोगों को कुछ चीजें वगैरह समझ आ रही है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है ना? यस पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है लेकिन लेट मी शो यू कि मैंने कहा लिंक भेजा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में आया वह लिंक। अच्छा देखें ये गूगल एड की सर्विसेज की एक वेबसाइट है, ठीक है सब कुछ हो रही है? यस सर। देखो केस स्टडीज लगी हुई है, टैग लगा हुआ है, 100% मनी बैक गारंटी, उसके बाद रियल टाइम के ये देखो ये कॉन्सेप्ट समझो। कुछ लोग होते हैं वेबसाइट के ऊपर जो है वो एनिमेशन यूज करते हैं, ठीक है वो क्लीनिंग सर्विसेज के लिए दिखाते हैं एक कार्टून क्लीनिंग कर रहा है, भाई क्या सीन है? आप रियल टाइम क्लीनिंग दे रहे हो तो रियल टाइम बंदा क्लीनिंग कर रहा होना चाहिए। अगर वो वेबसाइट यूएस के अंदर चल रही है तो उसके अंदर कोई गोरा क्लीनिंग कर रहा हो, अगर वो वेबसाइट एशिया के किसी कंट्री के लिए चल रही है इंडिया में पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी कलर का बंदा जो है वहां पे क्लीनिंग कर रहा हो, ब्रिटिश यूके में चल रही है तो गोरा रियल टाइम क्लीनिंग उसने वाइपर वगैरह पकड़ो वो क्लीनिंग करो, कार्टून शार्टून नहीं इस्तेमाल करने क्योंकि बीइंग इंसान हम लोग इमेजिन करते हैं या विजुलाइज करते हैं। लैंडिंग पे साइकोलॉजी के अंदर ये हमने पढ़ा, ये 2 साल लगा के चीजें सीखी हम लोगों ने कि मैं इमेजिन करूंगा विजुलाइज करूंगा, मैं जब भी कुछ देखूंगा मैं देखूंगा कि ये जो मेरे घर कोई क्लीनिंग करने आएगा तो वो इस तरह से क्लीनिंग करेगा, रादर के मैं देखूं कि एक मिकी माउस क्लीनिंग कर रहा हो या एनिमेशन क्लीनिंग कर, नहीं रियल टाइम इमेजेस। देखो इस बंदे ने रियल टाइम इमेजेस यूज की। ओ किधर गया है, ठीक है रियल टाइम इमेजेस यूज की, उसके बाद इसने अच्छा इसने बताया कि हमारी सर्च किस तरह से काम कर दी, डोनट्स फ्रेश हॉट डोनट्स इस तरह से हम लोग जो है ना एड्स वगैरह चलाएंगे। ये देखो देखो इसने कितने मजे की चीज लिखी है, इस कंपनी के साथ जब इस कंपनी ने काम किया 188% की लीड्स ग्रोथ हुई, इसके साथ 160% की ग्रोथ थी, 642% आरओ इंक्रीज किया, इन कंपनीज के साथ काम किया हुआ, हाई क्वालिटी यूजिंग इन 3 डेज, ठीक है अच्छी कन्वर्टिंग लाइन लिखी है गूगल एड से रिलेटेड, ठीक है उसके बाद गेट अ फ्री ऑडिट टॉक टू एन एक्सपर्ट। ये अब इस नीश का ये एक अच्छा लैंडिंग पेज है जो कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपको गूगल एड की सर्विसेज चाहिए ना और आप इस लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो आप कन्वर्ट हो गए या नहीं हो गए इसको देखने के बाद आप यकीनन आप में से एटलीस्ट 50% लोग जो है ना उसे राब्ता करेंगे, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो मुझे बताए क्यों कन्वर्ट नहीं होगा। बजट की वजह से क्यों क्यों बजट। थैंक यू बहुत शुक्रिया गुलशन भाई, थैंक यू मैं इनको भी देता हूँ। अच्छा पकौड़े आ गए जी। अच्छा सीन ये है कि किस बजट की वजह से जो ये मांगेंगे बजट कंप्लेन का नहीं अपनी सर्विसेज का, तो अनु आईएम एफ ने बजट नहीं देता एंड यू आर एक्सप्लेनिंग हियर द की हो रहा है भाईजान। मैं ये पूछ रहा हूं अगर आपको गूगल ऐड की सर्विस लेनी है आप इस लैंडिंग पेज के ऊपर आओगे तो आर यू गोना कन्वर्ट और नॉट, आपको इस पे ये कन्वर्टिंग है या नहीं है, अगर आपको सर्विस चाहिए आप इजीली कन्वर्ट होगा बंदा। हां आप बाकी लोग भी बताओ, आप लोगों से भी सवाल है मेरा। जी बिल्कुल कन्वर्ट होंगे साइकोलॉजी पढ़ते होते थे ना ब्रो, कलर स्कीम्स तक पढ़ते थे बैठ के, ग्रीन कलर जो है ना उसको देख के आप पीसफुल महसूस करते हो, आपको पीस फील होता है, येलो कलर जो है ना वो आपको आपको फैंटेसी देता है, आप यू फील लाइक आपको अच्छा लगता है, येलोइश या आप कहते हो कैंडल लाइट जो होती है उस वो जो कलर होता है वो आपको अच्छा करता है, रेड कलर जहां पे होगा वार्निंग आएगी आपको खतरा महसूस होगा, ठीक है तो इस तरह की कलर स्कीम भी पढ़ते हुए मतलब
इतना ये यूजर जर्नी को लैंडिंग पेज की इतनी अच्छी साइकोलॉजी है. आप देखो ऊपर एक अच्छी हेडलाइन कन्वर्टिंग हेडलाइन हो, सोशल ट्रस्टी टैग्स हो, गूगल के रिव्यूज हो, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या रियल टाइम के स्टडीज हो, ये पॉइंट्स लिखते जाओ. ठीक है, रियल इमेजेस आपने यूज करनी है हमेशा, एनिमेशन वगैरह नहीं यूज करनी, रियल इमेजेस हो आपकी. ठीक है, आपकी जो है वो रियल इमेजेस आप सब यूज करो. आप जो है वो बाकी चीजें यूज करो, अपनी जो टैग्स वगैरह है गूगल के रिव्यूज की स्टैंप यूज करो. ठीक है, इस तरीके से आपने आपकी लैंडिंग पेज की स्पीड अच्छी हो. ठीक है, और इस तरीके से जो आया आपका पूरा वो डिस्पोरा चलेगा. तो कुछ आइडिया हो रहा है कि, और एक और चीज, एक और चीज, लैंडिंग पेज के ऊपर आप लोगों ने शापर नहीं मारने, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने. ये लैंडिंग पेज आपने देखा, इसके ऊपर कितने को पैराग्राफ हैं बताओ मुझे, कितने को पैराग्राफ हैं इसके ऊपर? एक अच्छी लाइन है, डायरेक्ट बात की है भाई, इतना आरओए इंक्रीज किया है, ये नजर आएगा जी. ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है चार पांच लाइनों की. ये जी हमारे लैंडिंग पेज है जो हम बनाते हैं, ये जी हमारी केस स्टडीज है जी, ये हम करेंगे जी, मनी बैक गारंटी देंगे, रिव्यूज लिख दिए जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सुनते अदा करें. इतना अच्छा लैंडिंग पेज, मतलब आपको, अब ये देखो, ये देखें जी, मतलब कुछ भी, मतलब अजीब सी. नॉर्थ में हम ये करते थे, हमारे अबाजदाद जो है वो हाथी पे निकला करते थे लाड़काना में, हमारी सल्तनत तबासिया हुआ करती थी. ठीक है, ये पहाड़ हमारे दादू के हैं. तो नो वे, नो वन गोना सी दिस वन. ये देखो क्या लिखा हुआ, इतना कंटेंट डाल डाल के, ये देखो इसने क्या लिखा हुआ, ये देखो इसने, ये इस लैंडिंग पेज को आप कह सकते हैं ट्रिपल एस लैंडिंग पेज. हमेशा याद रखना, लैंडिंग पेज वो कन्वर्ट होगा जो ट्रिपल एस है, शॉर्ट स्वीट स्मार्ट. एक्सटेंसिव लैंडिंग पेज किसी ने नहीं लेने. एक अच्छी ऑफर, सोशल ट्रस्टी टैग, रियल इमेजेस, रियल टाइम केस स्टडी. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नहीं देना लैंडिंग पेज के ऊपर. भला पूछे क्यों? मिसाल के तौर पे उन लैंडिंग पेज के ऊपर आपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, नुमान साहब ने जब इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, ठीक है, तो नीचे सजेशन में निर्मल खावर की प्रोफाइल आ रही हुई, तो बस यूजर गया वहां से. एक सेकंड मुझे रुके, मुझे एक जवाब देने दे. अच्छा, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे नुमान, आपके साथ राव भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग घूम जाओगे, तबाह नहीं होंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो आपने कभी भी यूजर को उस लैंडिंग पेज से बाहर नहीं लेके जाना, आपने उस यूजर को उस लैंडिंग पेज के, मैं हुरैरा आपका, हुमैरा आपका सवाल लेता हूँ, आपने उस यूजर को उस लैंडिंग पेज के अंदर बाउंड रखना है, उसको फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वहां से नहीं लेके जाना. ये लीड जनरेशन के हवाले से स्पेशली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इवन वेबसाइट्स के ऊपर भी हम ये करते हैं कि यूजर आया वो उसी डिस्पोरा के अंदर घूमता रहे, उसी लैंडिंग पेज के, सिंपल कन्वर्टिंग लाइन, नीचे आपका CTA जो कॉल टू एक्शन है वो दो से ज्यादा ना हो. कुछ लोग हैं उन्होंने फॉर्म भी दिया होगा, कॉलिंग बटन भी, व्हाट्सएप बटन भी, मैं डिच हो जाऊंगा, मैं तंग होऊंगा. ठीक है, कि ये क्या इतनी ज्यादा इसने डिटेल्स डाल दी है, क्या इसने इतनी ज्यादा अंदर डाल दी है. आपका जो कॉल टू एक्शन है वो सिंपल होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, अगर कॉल है तो थ्रू आउट कॉल होनी चाहिए, या साथ एक व्हाट्सएप यूज कर ले या फॉर्म सबमिशन साथ यूज कर ले, दो से ज्यादा ना हो, और तमाम बटन का रंग सेम हो, ऊपर येलो हो रहा है तो नीचे भी येलो हो, सारे बटन का रंग सेम होना चाहिए. ठीक हो गया, ये बातें जेन में रखनी है किसी भी लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज से बाहर यूजर नहीं जाना, थोड़ा कंटेंट हो, रियल टाइम केस स्टडी, सोशल ट्रस्टेड टैग्स, कन्वर्टिंग हेडलाइन टॉप के ऊपर, गूगल रिव्यूज के ठप्पे ठुप्पे, सर्टिफाइड के ठप्पे एक दो, इल्ला माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या लैंडिंग पेज है जी. ये चीजें लेके चलनी है जी. हुमैरा अकरम, आपका सवाल है. अच्छा, लैंडिंग पेज से मुराद आपकी यही बात है ना, जो हमारे वेबसाइट का मेन पेज है. मैंने आप लोगों को शुरू में एक चीज क्लियर की, अ सेट ऑफ लैंडिंग पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट. व्हेन वी टॉक अबाउट अ यूनिक लैंडिंग पेज इज कॉल्ड दिस एक लैंडिंग पेज. एक पेज का जब भी जिक्र होगा तो वो एक लैंडिंग पेज होगा,
लेकिन जब सेट ऑफ लैंडिंग पेजेस का जिक्र होगा तो वेबसाइट होगी। ओके फाइन, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, किसी और का सवाल? आप मुझे बताओ, आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि एक अच्छा लैंडिंग पेज और एक बुरा लैंडिंग पेज क्या होता है? बताओ नुमान अली। यस सर, आइडिया हो गया है जी। मेरा अमीन को यूं बताएं मुझे। यस सर। सदफ जब्बार। यस सर। किसी को कोई बात समझ ना आई हो, सवाल पूछो, आप जल्दी जल्दी सवाल पूछो। सर, ट्रिपल एस का जो था वो दोबारा रिपीट कर दे। शॉर्ट स्वीट स्मार्ट। थोड़ा कंटेंट लिखा हो, स्मार्ट हो, तेज वेबसाइट हो, स्वीट हो, अच्छी लाइन लिखी हो। ये मेरा जाती फॉर्मूला है, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं है, किसी ऑडिट में ना लिख दिया जाए, मैं कोट पाओगे मेनू भी तो आप पे भी इजी रहना। इसको सर, चल भी यही रहा है आजकल, यूजर को उनके पिन पॉइंट दो, जो ले रहे हैं सिर्फ वही दो। एग्जैक्टली। किसी का कोई सवाल इस हवाले से लेकर, कोई मसला परेशानी किसी को? नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, हर बंदे ने, बंदे और बंदी ने, खुदा के बंदे खुदा की बंदी ने दो लैंडिंग पेजेस के लिंक्स निकालने, दो, एक अच्छा और एक बुरा। और फिर मैडम आयशा, आपने इनसे पूछना है, मैं कोशिश करूंगा मैं भी ज्वाइन करूं, कि कोई लैंडिंग पेज बुरा है तो वो क्यों बुरा है, कोई अच्छा है तो कौन सा लैंडिंग, एक अच्छा निकाल लें, एक बुरा निकाल लें। बल्कि एक काम करो, थोड़ा एफर्ट करो, मेहनत करो, ग्रुप के अंदर आप सब लोगों ने दो लैंडिंग पेजेस भेजने, बुरे के नीचे लिखना है कि बुरा क्यों है, अच्छे के नीचे लिखना है अच्छा क्यों है। और ये काम आप लोगों ने मुझे मंडे तक करके देना है, इस टाइम तक। मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करनी है थोड़ी सी, कोई मसला नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मंडे तक। लीडजंस की कोई भी वेबसाइट या फिर स्पेशली लीडजंस के वाले? भाई कुछ भी, जो मर्जी वेबसाइट हो। ओके सर, समझ आ गई है, सबको क्लियर है सर? पूरी फाइल सर, ऑडिट फाइल बनानी है या वॉइस नोट में भी बता सकते हैं? मैडम आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, वॉइस नोट कर दें, टाइप कर दें, ऑडिट फाइल बना दें, मकसद आप लोगों को बात समझ आए, बाकी जो भी करें तो बिल्कुल इजी होने। मैंने भेज दिया जी सर, मैं आपको स्पेशल टाइम देता हूं, आप सबर करें तो ठीक हो गया। यस सर। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे वास्ते दुआ करें, ठीक है, और इंजॉय करें जी, मेहनत करें, अच्छा लगेगा आप लोगों को गूगल ऐड सीखे, बहुत अच्छी चीज़ है, तो अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, अभी आप लीव ना करेगा, मैं आपसे कुछ पूछना है।